असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथामेटन आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हमने प्री कैलकुलस लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है आज का हमारा लेक्चर नंबर एट है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टू डायमेंशन टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग द टू लाइन्स पर पेंडिकुलर अदर यानी दो लाइन्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर पेंडिकुलर हैं इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ यानी ओ एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया ओ का उस पर इंटरसेक्ट कर रही मिल रही मिल है आपस में एक एक्सिस वन इज एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस यानी एक लाइन को हम क्या बोलते हैं और अदर इज वाई एक्सिस जो के आ, वर्टिकल है ठीक है हैटल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस ये चीज हमारे पास होरिजोंटल है और ये चीज हमारे पास वर्टिकल है ठीक है देखें अब यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो ओ है जिस पॉइंट पर आकर लाइन मिल रही इसको हम ओरिजिन बोलते हैं इन विच द टू लाइन्स इंटरसेक्ट लिखेंगे यहां पर इंटरसेक्ट इच अदर अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजन यानी ओरिजन से ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है ये वाई एक्सिस है लेकिन यहां पर क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं इसी तरह ओरिजन से नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव वाई एक्सिस ओरिजन से राइट साइड को हॉरिजॉन्टली उसे पॉजिटिव एक्सिस और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्सिस अब आप देखें इस सारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चार हिस्से हैं वन टू थ्री फोर क्वाड क्वाड्रेंट वन क्वार टू टू क्वारंट थ्री एंड क्वाड्रेंट फोर चार हिस्सों में इसको डिवाइड किया देखें मैंने अब क्या कहा कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर क्या है पॉजिटिव और अपवर्ड क्या है ये भी पॉजिटिव यानी यहाँ पर अगर हम कोई ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल लेते हैं एक्स वाई की शक्ल में तो वो हमारे पास क्या होगा दोनों पॉजिटिव होंगे ठीक है दोनों क्या होंगे पॉजिटिव इसी तरह आप सेकंड क्वाड्रेंट को अगर आप देखें तो ये एक्सिस लेफ्ट साइड की तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है मसलन अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं वो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव ठीक है इसी तरह अगर आप थर्ड uh, क्वार की बात करें यहां पर तीसरे हिस्से में अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस तरफ को नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव यानी दोनों पॉइंट हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की शक्ल में ऑर्डर पे आएगा अगर आप फोर्थ क्वारंट की बात करें तो फोर्थ क्वारंट में इस तरफ चौथा हिस्सा है यानी यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अगर हम लें तो ये पॉइंट एक्सिस पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे इस तो इस शक्ल में कोई पॉइंट आएगा आप इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे आप कोई पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको हम यूज करेंगे आगे फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सर्कल के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्राइंगल ज्योमेट्री को ड्रा करने के लिए हम इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट आगे थ्री डायमेंशन भी है जिसमें तीन एक्सिस शामिल होते हैं आज का हमारा लेक्चर छोटा सा था यहाँ पर ख़त्म होता है मिलते हैं आपसे अगली अगले लेक्चर में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़